खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार ब्रास सिटी सवोदय कॉम्प्लेक्स द्वारा काम किया जा रहा है। मुरादाबाद के नया मुरादाबाद स्थित स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में इंटर स्कूल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। मुरादाबाद में लगातार खेलों के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि खेल के क्षेत्र में बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलें और बच्चे अपने शहर का नाम रोशन करें। नया मुरादाबाद स्थित स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में इंटर स्कूल बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित कराया गया, जहां पर सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराने के लिए प्रयास किए गए। ब्रास सिटी सहोदय कॉम्प्लेक्स एवं स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के सहयोग से आयोजित इस इंटर स्कूल बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मेजर देवेंद्र सिंह द्वारा फीता काट कर किया गया। साथ ही सभी खिलाड़ियों को बधाई दी गई। मेजर देवेंद्र सिंह का ये कहना था कि स्प्रिंगफील्ड कॉलेज लगातार खेल के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और इस स्कूल में बच्चों के लिए बेहतर खेल सुविधाओं के लिए विपिन जेटली काम कर रहे हैं। आज मैंने यहाँ खेल सुविधाओं को देखकर ये अंदाजा लगाया कि मुरादाबाद शहर के सभी बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ये विद्यालय कारगर साबित हो रहा है। आज प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ, साथ ही आशा करूंगा कि वे ऐसे ही खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। नए मुरादाबाद में सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्प्रिंगफील्ड में आज बैडमिंटन का टूर्नामेंट हो रहा है और सभी ग्रुप सब जूनियर जूनियर सीनियर बॉयज और गर्ल्स का टूर्नामेंट है। इस विद्यालय के जो संस्थापक हैं आदरणीय विपिन जेटली जी, ये हमारे मित्र हैं, कॉलेज लाइफ के हमारे साथी हैं। आज इन्होंने अपने विद्यालय में बुला करके मुझे गौरवान्वित किया है। मुझे मौका मिला कि इस विद्यालय में जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, सुन रखा था काफ़ी कि बहुत अच्छा एक स्कूल खोला है और स्पोर्ट्स के रूप में मुरादाबाद में शायद इस फील्ड के मुकाबले में कोई स्कूल नहीं है, तो मेरी देखने की इच्छा भी थी। आज इन्होंने मौका दिया, मैं देखा वास्तव में स्पोर्ट्स की जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो यहाँ पर सब उपलब्ध हैं। बहुत अच्छा लगा और मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इसको देखने का मौका मिला। स्कूल के डायरेक्टर विपिन जेटली ने बताया कि समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं और आज इंटर स्कूल बैडमिंटन प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भाई मुझसे तो आप ये पूछेंगे तो चूंकि मैं सारी जिंदगी स्पोर्ट्समैन रहा हूं, तो मेरे हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्पोर्ट्स होती है। स्पोर्ट्स से आपको डिसिप्लिन, एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी और एक अकम्पलिशमेंट मिलता है, तो स्पोर्ट्स के बगैर तो किसी भी बच्चे की जिंदगी अधूरी। सर बच्चों से वो पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे आप? बच्चों से तो अपील इतना करने की ज़रूरत नहीं होती, पेरेंट्स से ज़्यादा आजकल अपील करने की ज़रूरत है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में प्रमोट करें, उन्हें मौका दें कि वो पार्टिसिपेट करें, सीखें और बेहतर नागरिक बने। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के प्रधानाचार्य ने जानकारी दी कि आज की इस प्रतियोगिता में मुरादाबाद महानगर के सभी CBSE बोर्ड के स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। बच्चों की प्रतिभा के अनुसार उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। विद्यालय स्तर से बच्चों को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। ये आज हमारे विद्यालय में अंतर विद्यालयी बैडमिंटन प्रतियोगिता जो कि ब्रास सिटी सहोदय कॉम्प्लेक्स के तत्वावधान में आयोजित की गई है। तो ब्रास सिटी सहोदया का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने बच्चों में खेल भावना का विकास करने के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ शुरू की हैं, जिसमें सहोदया के जितने भी मेंबर्स हैं वे अपने विद्यालय में इनका आयोजन कराते हैं और इसका मकसद है बच्चों में एक अनुशासन का विकास करना। आप जानते हैं कि अभी पिछले 2 साल किस तरह से कोरोना के कारण सब कुछ प्रभावित हुआ, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी, तो बच्चों की एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, पोटेंशियल, इन सब पे इसका असर पड़ा। तो विद्यालयों में ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, इसका मकसद सभी विद्यार्थियों में खेल भावना का विकास करना है और इसके साथ साथ खेल जो है वो सिर्फ खेल की भावना से नहीं खेला जाता, ये इसके साथ इसमें वैल्यू एजुकेशन, मॉरल्स, एथिक्स, इन सभी चीज़ों का विकास होता है, जिसके लिए CBSE हमेशा प्रयासरत रहा है। आगे भी मैम ऐसे और कंपटीशन जो जी जी हमारे विद्यालय में अभी कुछ दिन पहले ही स्विमिंग कंपटीशन हुआ था, आज बैडमिंटन कंपटीशन है, इसी तरह से कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी आयोजन किया जाता है। तो अभी हमारे विद्यालय में
15 अक्टूबर को म्यूज़िक कंपटीशन होने वाला है, वो भी ब्रास सिटी सहोदिया के तत्वावधान में होगा, जिसमें सभी विद्यालयों के पार्टिसिपेंट्स आएंगे। फिर नवंबर में हमारे यहाँ इंग्लिश रेसिटेशन कंपटीशन है। तो मुरादाबाद के जितने भी स्कूल हैं वे सभी इस दिशा में कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं। और आज के कॉम्पिटिशन की अगर बात करें तो इस प्रतियोगिता में ज़िले के 22 स्कूल प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें 150 से ज़्यादा प्रतिभागी आए हैं इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि हम सबका ये प्रयास ज़रूर एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे।